अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं नीलूफर और आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की 10 अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर के इमराकतल में एक ग्रेनेड हमला में एक शहरी जान बहक हुआ जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कश्मीर के जर्नलिस्ट फवाद शाह को तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया। फवाद शाह को शुपियां की अदालत ने जमानत पर रिहा करने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। एनसीपी के लीडर शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक को सिर्फ इसलिए दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं, शोरिंग प्रियंका गांधी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी उसके बुजुर्गों की धरती है इसलिए वो यहीं रहेंगी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से कहा कि वो अपनी घरों में पेट्रोल फुल कर दें क्योंकि इलेक्शन खत्म होने वाले हैं और मोदी सरकार पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा करेगी। नाजरीन यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बाकी की खबरें। जीडी गोयनका टॉडलर हाउस छन्नी हिम्मत जम्मू, अ टॉडलर वर्ल्ड वेयर क्रिएटिव माइंड्स वर्क टुगेदर, द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्ले स्कूल, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, स्पेशियस प्ले एरिया, एयर कंडीशनड क्लासरूम्स विद कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, एक्सपीरियंस स्टाफ एंड बेस्ट करिकुलम। सो एनरोल योर चाइल्ड फॉर बेस्ट फ्यूचर। एडमिशंस आर ओपन। कॉन्टैक्ट जीडी गोयनका, हाउस नंबर 81B, सेक्टर 5, छन्नी हिम्मत, सूर्या चौक, जम्मू। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9622863434। Our school, Jiri Goenka Toddler House, is in Channi Hemat Sector 5. We are focusing on grooming and social skills of children. Our classrooms are air conditioned and spacious. We are having well qualified, dedicated, and caring staff towards kids. Transport facility is also available here. Ideal student teacher ratio is here. Admissions are open. You can enroll your child. ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार देश में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बेहतर बनाने पर तरजीह दे रही है। पीएम ने पुणे में मेट्रो रेल की इनॉग्रेशन के मौका पर इन बातों का इजहार किया। विश्व चैंपियन सादिया तारिक ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं। वाजा रहे कि सादिया तारिक पहली कश्मीरी खातून हैं जिसने वर्ल्ड विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। फिल्म अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा को अदालत ने फ्रॉड मामले में जमानती वारंट जारी किए हैं। सोनाक्षी सिन्हा पर इल्जाम है कि उसने एक प्रोग्राम 37 लाख रुपए लेने के बाद भी अटेंड नहीं किया। पीएसएल की शानदार जीत पर लाहौर कलंदर के मालिक आतिफ रैना ने कैप्टन शाहीन अफरीदी को अपनी लग्जरी कार गिफ्ट कर दी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।